Hi everyone, my name is Chirag and welcome to another episode of Versus Series. आज पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कि लो रेपिटेशंस वर्सेस हाई रेपिटेशंस, हमारे को कितनी रेपिटेशंस की रेंज रखनी चाहिए अगर हमारा गोल है मसल रिकवरी, अगर हमारा गोल है स्ट्रेंथ गेन तो हमारे को किस रेपिटेशंस के अंदर रहना चाहिए। तो इसके अंदर बेसिकली मैं तीन कैटेगरीज के अंदर बांटूंगा रेपिटेशंस को। जो हमारे फर्स्ट रेपिटेशंस रहेंगे वो रहेंगे 3 से 6 रेपिटेशंस, और जो सेकंड कैटेगरी रहेगी वो 6 to 12, एंड जो नेक्स्ट रहेगी वो रहेगी 12 to 15। तो अगर कोई भी एथलीट है, कोई भी बॉडी बिल्डर है जिनको अपना स्ट्रेंथ गेन करनी है, इफ आई टॉक अबाउट कि जो पावर लिफ्टर्स होते हैं उनकी जो रेंज रहती है वो 3 to 6 रहती है, तो अगर आपका गोल है कि स्ट्रेंथ गेन करना तो आपकी रेपिटेशन 3 से 6 की रहनी चाहिए। आइदर आप डेडलिफ्ट कर रहे हैं, स्क्वाट्स मार रहे हैं, या आप बेंच प्रेस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपका गोल है स्ट्रेंथ मसल नहीं स्ट्रेंथ गेन, तो आपको 3 से 6 रेंज रखनी चाहिए। और जो एक्चुअली 6 से 12 वाली रेंज होती है उसको हाइपरट्रॉफी रेंज कहते हैं। इसके अंदर मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं आपको बताता हूँ 12 से 15 रेपिटेशंस। 12 से 15 रेपिटेशंस या 15 से बियॉन्ड आप 20 तक भी जा सकते हैं कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस के अंदर। सपोज मैं शोल्डर के बारे में बात करूं तो शोल्डर्स की कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर आप 20 रेपिटेशंस तक भी जा सकते हैं, क्योंकि उसमें 5 से 6 रैप में तो आपको मसल कनेक्शन के अंदर ही बन जाता है, टाइम लगता है इतना आपको एटलीस्ट। तो जो 12 से 15 हमारी जो रेपिटेशन रेंज रहती है वो रहती है हमारी स्टेमिना एंड्योरेंस के लिए। तो अगर आपको स्टेमिना बढ़ाना है या अपना एंड्योरेंस बढ़ाना है तो आपको जो रेंज है वो 12 या 12 से बियॉन्ड जो है आप जा सकते हो। और एक्चुअली जो सबसे बेस्ट रेंज होती है मसल ग्रोथ के लिए वो होती है हमारी 6 to 12, जिसको मैंने आपको बताया हाइपरट्रॉफी रेंज भी बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं रिसर्च के बारे में बात करूंगा। 2016 के अंदर एक रिसर्च हुई, ब्रेड ने करी थी, एक बंदे थे ब्रेड ने। तो उसके अंदर क्या हुआ, 16 रैंडम जो एथलीट्स को लिया गया एंड उनको बोला गया आप कोई भी रेंज के अंदर काम कर सकते हैं। अगर आपको हाइपरट्रॉफी रेंज में करना है या आपको हैवी लिफ्टिंग करनी है लो रेपिटेशंस में, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। और उनको परफॉर्म करनी थी, मतलब एज इन 3 बार वर्कआउट करना था हफ्ते के अंदर, और हर वर्कआउट के अंदर उनको 7 मेजर एक्सरसाइजेस के अंदर 3 सेट्स लेने थे। रेपिटेशंस वही रहेंगे और वेट, जो हाई वेट उठाएंगे उनके रेपिटेशंस 2 to 4, और जिनके जो लो, मैंने आपको बताया लो वेट उठाएंगे एज कंपेयर टू हैवी लिफ्टर्स, उनके रेपिटेशन हाइपरट्रॉफी रेंज के अंदर थे। तो उसकी ट्रेनिंग के रिसर्च के बाद में देखा गया कि जितना भी स्ट्रेंथ गेन थी वो जो लो रेपिटेशंस करते थे उनके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी थी। 1 मैक्सिमम रेंज जो हमारी, मतलब अगर सपोज मैं बात करूँ स्क्वाट्स की, तो ज़्यादा रेंज में उठा पा रहे थे, वेट ज़्यादा उठा पा रहे थे, तो उनमें स्ट्रेंथ गेन ज्यादा थी। बट एज कम्पेयर टू मसल बिल्डिंग जो हमारी लो रेपिटेशंस थी और लो वेट हाई रेपिटेशंस, उनके अंदर मसल्स ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी थी। आप इस पर्टिकुलरली ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर जो पर्टिकुलरली हमारे लाइट लिफ्टर्स थे और हैवी रेपिटेशंस वाले थे, उनकी जो मसल ग्रोथ थी वो उनसे कंपैरेटिवली बेटर थी। अब मैं यहाँ पे कंक्लूजन में आऊंगा कि कंक्लूजन ये नहीं है कि आपको हाई रेप्स ही लेने चाहिए, लो रेप्स ही लेने चाहिए। मैं आपको बोलूंगा 60 से 70% ऑफ द एक्सरसाइजेस आपकी हाइपरट्रॉफी रेंज के अंदर ही होनी चाहिए, बट रिमेनिंग एक्सरसाइजेस के अंदर आपको फ्लक्चुएट करना पड़ेगा। कई बार आपको स्ट्रेंथ की तरफ जाना पड़ेगा, कई बार आपको एंड्योरेंस की तरफ, स्टेमिना की तरफ जाना पड़ेगा। और प्लस में अभी पुश एंड पुल की आपने वीडियोस अगर चेक नहीं करी है तो आप ऊपर देख सकते हैं। अगर आपका ब्रो स्प्लिट कर रहे हैं या पुश पुल लेग कर रहे हैं तो पुश पुल लेग के अंदर मैं आपको बोलूंगा कि हफ्ते के अंदर जो पुश वाली है एक जो है आप, मतलब एज इन स्ट्रेंथ बेस्ड रखें और अगला जो है वो स्टेमिना बेस्ड रखें। और अगर आप ब्रो स्प्लिट कर रहे हैं या हफ्ते में सिर्फ एक ही बार ट्रेन कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया चेस्ट प्रेस, तो आप चेस्ट प्रेस जो रॉड से ले रहे हैं वो आप हैवी लिफ्ट ले सकते हैं, रेपिटेशंस उसके अंदर आप 2 से 4 या 4 to 6 रेंज तक जा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको जो आप डंबल से कर रहे हैं इंक्लाइन, सपोज में आपने फ्लैट पे वो करी रॉड से, बाबल से करी आपने बेंच प्रेस, और उसके बाद जब आप डंबल से इंक्लाइन के ऊपर करेंगे तो आपको रेपिटेशन हाइपरट्रॉफी रेंज के अंदर रखनी है ताकि आपकी मसल ग्रोथ बेटर। तो आपको खेलना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा देखना है, बट मोस्ट ऑफ द आपका वर्कआउट जितनी भी मेजर एक्सरसाइजेस होगी वो हमारी हाइपरट्रॉफी रेंज के अंदर ही होगी। तो आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे रिगार्डिंग द मसल ग्रोथ, स्टेमिना, पावर लिफ्टर्स, बॉडी बिल्डर्स, हाइपरट्रॉफी रेंज, अगर कोई भी ऐसा डाउट रहता है फिर भी स्टिल आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करूंगा और आशा करूंगा कि आपको ये पर्टिकुलरली जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा समझ में आ गया था। और वर्सेस सीरीज के अंदर अगर आप कोई भी मेरे से चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर डैश बाय डैश वर्सेस मैं बनाऊं कोई वीडियो, तो आप मेरे से जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें यार, उससे बहुत मोटिवेशन आता है मेरे को। और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों को, कोई पावर लिफ्टर्स को, बॉडी बिल्डर्स को, या किसी की भी रेंज उनका, अगर सपोज किसी का गोल मसल बिल्डिंग का है लेकिन वो हाइपरट्रॉफी रेंज के अंदर नहीं काम कर रहे हैं और वो रेपिटेशंस बहुत कम लेते हैं और सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, या बेंच प्रेस वो 100 का मारते हैं, 150 का मारते हैं, 200 का मारते हैं, बट जरूरी हैवी लिफ्टिंग का ये मतलब नहीं है कि आप
ज्यादा मसल ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आप उस 200 केजीज के अंदर आप रेपिटेशन हाइपरट्रॉफी रेंज में जा पा रहे हो तो बेस्ट है आपकी मसल ग्रोथ के लिए। यहीं पे एक्चुअली मैं एक पॉइंट और भी बताता हूं कि अगर आपका सपोज मैक्सिमम जितना भी आप एक रेपिटेशन जितने वेट से मैक्सिमम मार सकते, अगर सपोज मैं 100 केजी से बेंच प्रेस से मैं 100 केजी से एक मार लेता हूं, एक रेपिटेशन मार लेता हूं, तो उसका 30% जो है एटलीस्ट आपको लिफ्ट करना है हाइपरट्रॉफी रेंज के अंदर मैक्सिमम मसल ग्रोथ के लिए। तो एक छोटा सा ये फंडा बोनस के लिए है जो वीडियो आखिरी तक देख रहे हैं। दिस इज चिराग साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड टेक केयर।